हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मनीष हरित। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1480 और हमारा क्वेश्चन है रनिंग सम ऑफ 1D अरे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा होने वाला है और हम इसे कम से कम लाइंस में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से जल्दी देखते हैं कैसे क्या करना है। तो ठीक है, एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक एरे दिया गया है, मेरे को क्या करना है, मेरे को इस एरे को इसका सम निकालते हुए इसको मेरे को प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक एरे दिया गया है 1 2 3 4, और इसका हमें आउटपुट कैसे निकालना है, 1 3 6 10। ये हम कैसे करेंगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। ये फर्स्ट इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो सेम हम 1 रिटर्न कर रहे हैं। अब अगले इंडेक्स पे हमने क्या किया है, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 दोनों को हमने ऐड कर दिया, जिससे अपने को 3 मिलता है। 1 और 2 ऐड करेंगे हम, 3 मिलेगा। अब थर्ड इंडेक्स पे क्या क्या रहा अपने को, हम जो 3 वैल्यूज़ हैं उन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 2 3, अपने को 6 मिल जाएगा। और लास्ट इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी इंडेक्सेस का सम निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, जिससे अपने को 10 मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ AP टाइप ऑफ है, लाइक मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना 10th 12th में, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट है। और हमें इस तरीके से कुछ रिटर्न करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कम से कम लाइंस में करने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए अपने लीट कोड पे चलते हैं और देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है अपना रनिंग 1D अरे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं जिसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ जल्दी से। इंट मैं इसको सम बोलूँगा, ठीक है, न्यू इंट। ओके, और ये इसका साइज़ हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और तो ये इस तरीके से अपनी एक एरे बन गई है। इसका साइज़ क्या होगा, इसका तो साइज़ होगा जितना पुराने वाली का उतना ही होगा, तो इसका साइज़ हो जाएगा नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद में ना यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल और बना लेते हैं, वैल्यू। वैल्यू के नाम से हम बना लेते हैं वैल्यू, और इसे करंटली 0 पे स्टोर करा देते हैं। अब चलिए इसके बाद एक फोर लूप रन करा लेते हैं हम जल्दी से। मैं एक फोर लूप रन करा लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। ओके, आई इज इक्वल्स टू 0, और ये अपना कहाँ तक जाएगा, ये अपना जाएगा नम्स डॉट लेंथ, बहुत बढ़िया। और आई प्लस प्लस है ना, तो ओके ये थोड़ा गलत हो गया। ओके, तो इस तरीके से अपना कुछ फॉर लूप है। अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को अपडेट करा दे रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी है इस वैल्यू को मैं चाहता हूँ अपडेट कर दो तुम। और किससे अपडेट करो, नम्स पे जो भी अपना करंट इंडेक्स पे है उससे एक बार वैल्यू को अपडेट करा दो। वैल्यू अपडेट हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सम को अपडेट करेंगे। तो मैं सम पे जो आईथ इंडेक्स है उसकी वैल्यू को मैं क्या रख देता हूँ, उसकी वैल्यू को मैं रख देता हूँ वैल्यू है ना, और फॉर लूप से बाहर आके हम करा देंगे रिटर्न सम। आई थिंक इट शुड वर्क, लेट्स चेक क्या आता है अपने को। तो यहाँ पर एक एरे है अपने पास। ओके ओके, आई थिंक हमें ये यूज़ नहीं करना है, हम ये यूज़ नहीं करते हैं, अभी देखते हैं। ओके, अपना एक्सेप्टेड हो गया है, तो एक बार जल्दी से सबमिट करके देख लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, आंसर एक्सेप्टेड। अपना रन टाइम है अपना 100% हमने कवर करा है, और मेमोरी हमने बीट किया है 91% को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।